पार्वती जाने वाली है यहाँ पर परी की बरसी में, यानी कि परी अपनी बरसी में खुद ही जाने वाली है। यहाँ पे परी यानी कि पार्वती जो है वो डील कैंसिल करने के लिए बाजवा हाउस पहुँचती है, और यहाँ पर वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसको पता ही नहीं है कि परी की बरसी है। और वो जब पहुँचती है तो वहाँ पर पूजा हो रही होती है, और पंडित जी उसको बोलते हैं कि, पहले तो पंडित जी उसको देख के हैरान हो जाते हैं, लेकिन बाद में परी जो है वो बोल देती है पंडित जी को कि मैं पार्वती हूँ, परी नहीं हूँ। तो पंडित जी उससे माफ़ी मांग लेते हैं और उसको बोलते हैं कि पूजा में से ऐसे नहीं जा सकते, तुम अब पूजा में आए हो तो पूजा को तुम अटेंड करो। तो यहाँ पे दोस्तों आगे देखने को आप लोगों को मिलेगा कि परी जो है वो पूजा में बैठ जाती है संजू के साथ, और ये खबर जाकर चंद्रिका नीति को बता देती है। नीति जो कि कुलविंदर के साथ और दलजीत के साथ मीटिंग कर रही होती है, जिसमें वो ये डिसाइड कर रही होती है कि परी को किस तरह से यहाँ पर प्रूफ किया जाए कि पार्वती जो है वो परी ही है। तो यहाँ पे जो चंद्रिका है वो सारा कुछ बता देती है जाकर नीति को, और जो नीति जो है वो बिल्कुल एग्रेसिवली नीचे आती है और परी की फ़ोटो के ऊपर से जो हार होते हैं वो हटाती है, और पंडित को बोलती है कि भाई जब परी मरी ही नहीं तो उसकी किस बात की यहाँ पे पूजा हो रही है। और यहाँ पे संजू उसको चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन नीति जो है वो यहाँ पर किसी के भी हाथ में नहीं आ रही, वो बेकाबू हुई पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हुई पड़ी है ये। लेकिन यहाँ पर पार्वती जो है वो भी अच्छे तरीके से नीति को जवाब देती है। यहाँ पर पार्वती जो है वो नीति को बोलती है कि तुम्हारी ये जो अग्रेसिव बिहेवियर है वो परी सहती होगी, मैं नहीं सहूंगी। और यहाँ पर वो सबको चिल्लाकर बोलती है कि मैं परी नहीं हूँ, मैं पार्वती हूँ। देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरह से पार्वती अपना बदला पूरा करती है, क्योंकि यहाँ पे पार्वती जो है वो बिल्कुल भी परी की तरह सॉफ्ट स्पोकन नहीं है। यहाँ पर पार्वती जो है वो बिल्कुल बोल्ड दिखाई गई है और बहुत ही बढ़िया तरीके से वो रिवेंज अपना ले रही है। तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। दोस्तों आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप अपने ओपिनियंस में जो कमेंट्स में लिख सकते हैं। दोस्तों यहीं तक था आज का हमारा वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।